भाई पन्नी वन्नी लगी है भाई, देख रहा है इसमें तो पोर्ट्स भी ज्यादा होंगे, बहुत सब कुछ ज्यादा है इसमें तो सब ज्यादा है इसमें। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है सैटरडे, अभी बज रहे हैं सुबह के 8। नाक पे मेरे कुछ काट गया था और फिर वो छोटा सा फोड़ा बन गया था, तो 4-5 दिन से यही चल रहा था, अभी थोड़ा ठीक हो गया, होपफुली ठीक हो जाएगा 3-4 दिन में एकदम। आज मैं काफी एक्साइटेड हूँ, ऑल्दो शायद आवाज़ से लग नहीं रहा होगा, मेरी आवाज़ इतनी चेंज नहीं होती है एक्साइटमेंट और डिफरेंट फेजेस के बीच में, बट मैं काफी एक्साइटेड हूँ आज बिकॉज मेरे दो दोस्त आ रहे हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं कॉलेज के, बहुत टाइम बाद मिलेंगे आज, और उनकी फ्लाइट थी दिल्ली से 3:00 PM, तो अब तक आ जाने चाहिए थे पर वो फ्लाइट डिले हो गई और वो फ्लाइट 7:30 PM डिपार्ट हुई है, तो अब वो 12:00 PM तक आएंगे। नो प्रॉब्लम, मैं ये बेडशीट बदल लेता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा। और हाँ, एक और एक्साइटमेंट का रीज़न है, एक दोस्त मेरे लिए नया लैपटॉप लेके आ रहा है, मैंने फाइनली एक नया लैपटॉप मंगवाया क्योंकि मेरा करंट लैपटॉप अब वर्कलोड झेल नहीं पा रहा है जो बढ़ता जा रहा है। ये मेरा करंट लैपटॉप है, नो कंप्लेंट्स, अपना काम अच्छे से करता है पर वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, दैट्स द प्रॉब्लम। ये 2016 का मैकबुक प्रो है, बढ़िया चल रहा है, नो प्रॉब्लम। और अभी मैंने मंगाया है लेटेस्ट मैकबुक प्रो M1 आया है ना, डेंजरस, वो वाला मंगाया है मैंने। पिछले ब्लॉग में आपने देखा मैंने नया आईफोन भी मंगाया था, तो मैंने रिसेंटली अपना सारा टेक अपग्रेड किया है बिकॉज इट वॉज हाई टाइम, मैं काम चलाया जा रहा था बट मेरा काम चलाने का मन नहीं है। बढ़िया, रिंकल्ड है पर क्लीन है, रिंकल्ड तो अपने आप सही हो जाएंगे यूज करते करते। आज जैसे मेरा अपर बॉडी है पर हो सकता है आज स्किप करके मैं कल चल जाऊँ अपर बॉडी है, देखते हैं, क्योंकि 2 ही दिन के लिए हैं दोस्त, बहुत कम समय के लिए हैं, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, बहुत कम समय के लिए, फ्लाइट भी लेट हो गई है, तो वर्कआउट तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, तो इट्स हाईली लाइकली कि वर्कआउट स्किप हो सकते हैं एज अ कॉन्शियस डिसीजन। मंडे को ये दोनों निकल जाएंगे स्विट्जरलैंड के लिए क्योंकि ये दोनों के दोनों गूगल ज्यूरिक में काम करते हैं, गूगल स्विट्जरलैंड। हो गई चाय, बैठ जाते हैं अपनी किताब पढ़ने। करेंटली मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ 3rd-4th time, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी किताब है, अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं यू शुड रीड इट, लाइफ सेवर बुक, इट इज़ येट टू सेव माई लाइफ बिकॉज मैं अभी पढ़ के एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, बट मस्ट रीड, मस्ट रीड। क्या कर रहे है वे? क्या बना रहे है? मेरे लिए बना दे थोड़ा सा पानी, अच्छा बनाता है भाई तू गर्म पानी, लेकिन रेसिपी नहीं बता रहा मुझे, देख ले क्या क्या डाला है इसमें, कुछ भी। थोड़ा तो दुख होगा कि तू मिल नहीं पाएगा दोस्तों से, इसको लगा ये आज सुबह मिलके चले जाएगा क्योंकि आज जा रहा है 1 घंटे बाद, कहाँ जा रहा है, कोलार, कोलार क्या करने जा रहा है ये भी बता दे, बन गया क्या गर्म पानी, बस थैंक्स भाई, लड़की के चक्कर बाबू भैया, हाँ सेल्फ लव, सेल्फ लव, सेल्फ लव तो हर दिन करते हो समझ रहे हो, कभी कभी दिन में 2 बार हो जाता है। A few moments later. ओए, आ गए वो, चलना है क्या, मैं जा रहा हूँ, बोल रहे हैं बताता नहीं, मैं उनसे पहले निकल गया, सिद्धांत ने मेरे को कॉल किया कि वो आ गए तो मैं निकल गया, आदित्य नहीं आ रहा, मास्क भूला गया, चलो अपन चलते हैं। फोड़ा हो गया था, मैंने उसको फोड़ दिया। एयर हॉस्टेस तुमको दबोच तो नहीं ली, अबे एक टॉपिक, हाँ एयर हॉस्टेस दबोच लेती है भाई। काफी लगे जेपी, अच्छा यहाँ से डायरेक्ट स्विट्जरलैंड ही आएगा। वेदर कैसा लगा लगा थी बैंगलोर लाने में, शानदार, सबसे पहले उतरते ही यही दिमाग में आया ठंडी ठंडी हवा, ठंडी हवा लग रही है मुंह पे, मजे आ गए। नहीं पाया? अरे नहीं, तो समझ गया। देखता नहीं क्या? सवाल पूछो, कौन सा लेटेस्ट वीडियो क्या अपलोड हुआ था? अरे लेटेस्ट क्या होता है? लैपटॉप ले लेते हैं इसके बैग से। कौन सा लैपटॉप लाया? क्या कह रहा है? नए लैपटॉप की बात कर रहे हो? कौन सा लैपटॉप लाया? ब्रो तिवारी ने एकदम घासू लैपटॉप लिया, मैक्स्ड आउट स्पेक्स, ओ अबे वो मैकबुक प्रो
2 लाख रुपया का लैपटॉप है। अरे यार बस ये बैग लैपटॉप न्यूयॉर्क से लेते हुए आ रहा है बंदा, यही ना रेड बैग भारी होगा ना ब्रो। हाँ भाई ये लैपटॉप भाई पन्नी वन्नी लगी है भाई, इसमें तो पोर्ट्स भी ज्यादा होंगे, बहुत सब कुछ ज्यादा है इसमें, सब ज्यादा है इसमें भाई, भारी है यार 16 इंच। मैं इसको ये बोला था वो भारी है, 14 वाला ले सकता है, नहीं सब ज्यादा चाहिए, फोन प्रो मैक्स सब कुछ प्रो मैक्स, इस पे फोन करके बोला भैया 1 kg आईफोन ला देना। ओ यार ये तो ऑन है पहले से, बहुत सेक्सी लग रहा है। ओह इसमें गाना बजा ब्रो, एकदम ही मतलब तबीयत खुश हो जाएगी ब्रो इसके साउंड सुन के भाई, चलना चलना करना आगे बढ़ाना भाई आगे बढ़ाना। नाइस चिपक गया लगाते ही। अभी ये ढीला ही रहता है क्या, ये टाइट घुस को ही नहीं रहा। अरे ठीक है भाई, वो तो वो अब तो अंग्रेजी उस चीज को डाल रहा है देसी में। ठीक है, अंग्रेजी थोड़ा छोटा होता है भाई, सब आइडिया भाई, देसी बड़ा होता ना भाई, समझ रहे हो पढ़ी क्या लिखा है, चोकलाडे चोकलाडे तो फोन लेते तेजी से पढ़ भाई। तू पढ़ सकता है शरणजी क्या लिखा है, पढ़ने वाला बोलना भाई फॉर द। अबे इसको आता होगा, इसको आता होगा, ये 3 languages में लिखा है ब्रो, जर्मन में ऊपर लिखा है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये नीचे वाला इटालियन है, ये बीच वाला फ्रेंच है, सेम चीज लिखी है 3 language में। हाँ ओ ये डार्क चॉकलेट, चॉकलेट डार्क, चॉकलेट डार्क। गाइस नया लैपटॉप रेडी है, चकाचक लग रहा है, अभी मुझे इसमें सब कुछ सेटअप करना होगा, सारे सॉफ्टवेयर और एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह, बट लुक्स गुड, भारी है बहुत भारी है, देखिए 13 इंच का था मेरा पहले वाला लैपटॉप, इसको चला रहा था मैं पिछले 4-5 साल से, ये है 16 इंच, डिफरेंस देखिए, प्लस इसके अंदर माल भी बहुत ज़्यादा है, थिकनेस बहुत ज़्यादा है, ये देखिए इसकी थिकनेस, इट्स नॉट अ नोटबुक इट्स अ प्रॉपर मशीन, डिफरेंस देखिए इन दोनों की थिकनेस में। साउंड क्वालिटी बहुत ही गजब है, पूरे रूम में घूम के आ रही आवाज मेरे कान तक, एकदम एक्सपीरियंस इज वेरी स्पेशियस। मैडी कैसा लग रहा है, स्विट्जरलैंड जाके सेटल हो जाएगा तू अब? पता नहीं यार, अभी लोग हनीमून मनाने जाते हैं स्विट्जरलैंड, तू जाके रहने लगेगा वहीं पे, मतलब सोचा है कभी कभी एक्साइटमेंट होती है, क्रैश करेगा लोग हनीमून। तो यूक्रेन का बॉर्डर पोलैंड के साथ है, और पोलैंड चलो नहीं जाएंगे मान लो, फिर नीचे चेक रिपब्लिक आता है, मतलब वहाँ पे नेटो है ब्रो, अगर वो वाला बॉर्डर पे भी क्रॉस हो गया तो बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा, वो नहीं क्रॉस होने वाला, यूक्रेन में ही दिक्कत रहने वाली है, तो हम लोग जा सकते हैं इन जनरल, ग्रीस भी जा सकते हैं। मैंने सुना है चेक स्ट्रीट्स बहुत लिट होती है, अच्छे सड़कें हैं भाई वाह। ये 12 अंडे हैं भाई, दीदी ने आज ना मचा दिया। अबे वैसे आजकल तू वेजिटेरियन है कि एक बार नॉन वेजिटेरियन हो जाता तो हो जाता ना, मतलब वर्जिनिटी टाइप का कॉन्सेप्ट है ऐसे थोड़ी बोला। और खाएगा तू भाई? बहुत खास जवाब हो गए भाई, पेल गए डोसा खा लिया है, बस प्रोटीन शेक पीऊंगा अभी, क्योंकि इस मील में कुछ प्रोटीन नहीं था, लैपटॉप आ गया है उसको सेटअप करूंगा, और बचे हुए दिन आज बहुत बातें करनी है दोस्तों से, बहुत कैचअप करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, होप यू एंजॉयड इट, लीव मी अ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर बजानी है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे फिट, चलिए।